हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जिस प्रकार से भर्तियों का पिटारा खुल रहा है और इसी कड़ी में 181 पदों पर फिर से वित्त विभाग ने अनुमति दी है और इस बार जो है पीएचई विभाग में जो है बहुत दिनों से जो है इसका इंतजार चल रहा था और कहीं ना कहीं आज जो है नॉन टेक और टेक्निकल दोनों स्टूडेंट के लिए आज ये बहुत ही अच्छा पल है क्योंकि वित्त विभाग ने फिर से 181 पदों पर भर्ती की अनुमति दी है और सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश पर जो है इसकी अनुमति दी गई है। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थीगण जो है जब चुनाव हुए थे और चुनाव के तुरंत बाद बहुत सारे अभ्यर्थी मंत्रियों, नेताओं, मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी कंटिन्यू गए हुए थे और इस पर जो है चर्चा की गई। चर्चा के दौरान जो है फिर चीज़ें जो सामने आई हैं, देखिए वहाँ पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर एवं अन्य पदों को जो है 181 पदों पर जो है वो भर्ती की अनुमति दी गई है। अगर हम बात करें विस्तारपूर्वक कि ये पद जो है वो कौन कौन से है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें उप अभियंता अनुरेखक सहायक ग्रेड 3 इसमें है, जहाँ पे उप अभियंता के सबसे ज़्यादा 118 पद है। इसके अलावा विद्युत यांत्रिकी उप अभियंता के 10 पद है, अनुरेखक के 37 है, सहायक ग्रेड 3 के 2 है और केमिस्ट के 12 और वाहन चालक के 2 पद शामिल किया गया है। और इसकी पूरी भर्ती देखा जाए तो जो है व्यापम के माध्यम से होगा और इसके लिए भी जो आपका ऑनलाइन आवेदन है वो आपको जल्द से जल्द जो है व्यापम की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इसके पहले आप लोगों ने देखा कल, जैसे मैंने आपको बताया, वित्त विभाग से 650 पदों पर जो है भर्ती की अनुमति दी गई और उसके पहले अगर हम बात करें तो 40 पदों पर पुलिस सूबेदार की भर्ती की जो अनुमति है वो दी गई। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों में अगर हम वित्त विभाग से बात करें तो 1000 से अधिक पदों पर जो है वित्त की अनुमति दी गई है। और वहीं रुकी भर्ती की बात करें तो ग्रामीण जो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की बात करें तो वहाँ पर भी उनकी नियुक्ति का जो है वो रास्ता साफ हो गया है। और इसके साथ ही अगर हम सर्वेयर की बात करें तो और मंडी की बोर्ड की बात करें तो उस पर भी जो प्रक्रिया है वो धीन है। इस प्रकार से देखा जाए तो हजारों पदों पर जो है भर्तियाँ जो है वो अब आने वाली है। तो आप लोग बस अपनी कमर की पट्टी कस लीजिए क्योंकि भर्तियों का विज्ञापन अब जो है वो जारी होने वाला है। तो निश्चित तौर पर आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। यही सब आप सभी को बताना था कि भर्तियों का पिटारा खुल चुका है वित्त विभाग, वित्त मंत्री के पिटारे से आज जो है 181 पदों पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में जो है उप अभियंता सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा सहायक ग्रेड 3 तमाम जो है वो निकला हुआ है भर्ती विज्ञापन। तो आप लोग भी जो है इसकी तैयारी करिएगा। यही सब आप सभी को आज बताना था। आशा करता हूँ कि ये जो खबर है जो है अच्छी लगी होगी और सबसे लेटेस्ट, सबसे ज़्यादा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो पूछ रहे थे इस तरह टेक्निकल का बताओ, तो देखिए टेक्निकल का सीधा सीधा आप लोगों के समक्ष जो है वो रिजल्ट सामने आया है। और अब देखिए बहुत ही जल्द इसका जो बोल सकते हैं ऑनलाइन आवेदन है व्यापम की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए चुनाव के पहले मैंने आपको फिर से कहा है कोई भी पार्टी जाएगी तो वो भर्तियाँ हर तबके के लिए निकालेगी, चाहे वो डीएड बीएड वाले हो, चाहे आपके टेक्निकल वाले हो, चाहे नॉन टेक वाले हो, तो सभी के लिए जो है वो भर्ती आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ चीज़ें समझ आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।